देखो बच्चों, सेकंड कर्नाटक हम लोग युद्ध की बात करते हैं, हम लोग फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात कर चुके हैं। और फर्स्ट कर्नाटक वॉर अपनी पारंपरिक शत्रुता के कारण हुआ था। यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, उसकी वजह से भारत में भी शुरू हो गया। लेकिन जब भारत में ये युद्ध शुरू होता है, 1748 में फर्स्ट वॉर खत्म हो गया था, है ना। लेकिन तब मैंने बताया था आपको एक्स ला चापेल की ट्रीटी हुई थी, जिसमें मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया गया और क्यूबेक फ्रांस को मिला, और अंग्रेज पांडिचेरी पर कभी हमला नहीं करेंगे, ये बात कही गई थी। इतनी सी बात थी ना। अब जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था वो 1749 से 1754 तक चलता है। पहला ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आप समझिए, आपको यहां पर दो चीजें याद करनी है, हम बताएंगे वो क्यों याद करनी है। जब युद्ध शुरू हुआ उस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में शांति थी, कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा था। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि ये युद्ध था ना जो सेकंड वाला, वो व्यापारिक एकाधिकार के उद्देश्य से लड़ा गया। किस लिए लड़ा गया ये? इसका उद्देश्य एक ही था। क्या था? व्यापारिक एकाधिकार। ये युद्ध लड़ा ही गया व्यापारिक एकाधिकार को लेकर, समझ में। पारंपरिक शत्रुता नहीं थी इसके कारण। अब एक बड़ी घटना घटती है 3 अगस्त को, ठीक है, जो 3 अगस्त होंगे, 3 अगस्त 1749 को एक बड़ी घटना घटी कि फ्रांसीसी सेना ने ईरानी सैनिकों के साथ मिलकर कर्नाटक की राजधानी आरकूट पर हमला कर दिया। क्या हो गया? आरकूट या आरकोट, कुछ भी समझ लीजिए, आरकोट पर हमला कर दिया। ये हमला किसने किया? फ्रांस प्लस ईरानी सिपाहियों ने मिलकर, इन्होंने मिलकर क्या किया, एक आरकोट पर जो कर्नाटक की राजधानी थी उस पर हमला कर दिया। किसने किया? फ्रांस ने। एक बड़ी घटना यहां से शुरू हो गया, ठीक है, जिसको कहीं अम्बूर भी कहते हैं आरकोट को। अब इसमें क्या हुआ, युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया, ठीक है, जो वहां का नवाब था, कौन? अनवरुद्दीन। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, अनवरुद्दीन की डेथ हो गई। अनवरुद्दीन की डेथ हो गई, ठीक है, अनवरुद्दीन मर जाता है, डेथ हो गई। अब जो उसका बड़ा लड़का था उसमें महफूज खान को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन छोटा बेटा था ना जो मोहम्मद अली, वो किसी तरह भाग निकलने में सफल हो गया, ठीक है। यहां पर आप मोहम्मद अली का नाम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे ना। तो जाहिर सी बात है, फ्रांसीसियों ने हमला किया था, अनवरुद्दीन मारा गया, बड़ा लड़का महफूज खान गिरफ्तार हो गया, तो छोटा बेटा मोहम्मद अली कहां भाग गया, भाग के किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है, दुश्मन के पास, मतलब अंग्रेजों के पास जाएगा। किसके पास पहुंचा? अंग्रेजों के पास पहुंचा, ठीक है। भागने में सफल रहा, फिर उसने क्या किया, तिरुचनापल्ली पहुंचा और तिरुचनापल्ली में शरण ले ली और अपने आप को आरकोट का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों ने उसका साथ दिया। बात यहां तक क्लियर? अब चंदा साहब और फ्रांसीसी अधिकारी जैक्सला, अब चंदा साहब भी तो थे, याद है, नाजायज जौलाद की हम लोग बात कर रहे थे ना, अनवरुद्दीन, याद है ना। अब चंदा साहब और फ्रांसीसी अधिकारी जैक्सला ने मिलकर तिरुचनापल्ली को, ये तिरुचनापल्ली में शरण ली थी ना इसने, ये कहां पहुंचा? तिरुचनापल्ली। ये पहुंचा तिरुचनापल्ली। अब क्या करेंगे? अब जो कर्नाटक के नवाब फ्रांस ने किसको बनाया? चंदा साहब। तो चंदा साहब क्या करेंगे? एक फ्रांसीसी अधिकारी था जैक्सला, उसके साथ मिलकर तिरुचनापल्ली को चारों तरफ से, चंदा साहब ने क्या किया, तिरुचनापल्ली को चारों तरफ से सराउंड कर लिया, घेर लिया, घेरा डाल दिया, चारों ओर से घेर लिया। अब इस मौके पर एक अंग्रेज सैनिक थे, अधिकारी थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने इस प्रकार की स्ट्रेटजी का प्रयोग किया, कहते हैं चमत्कारिक ढंग से, मतलब उन्होंने केवल 200 यूरोपीय सैनिकों और 300 लोकल सैनिकों की मदद से चंदा साहब की राजधानी आरकोट पर कब्जा कर लिया।
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेज, अंग्रेजों ने बदले में क्या किया, ये जब इधर आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आरकोट पर कब्जा कर लिया, आरकोट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। क्लाइव का बहुत बड़ा रोल था छोटी सी सेना के दम पे, ठीक है। कब कर लिया, 1751 में। अब क्या हुआ, अब इस लड़ाई का मूल उद्देश्य क्या हो गया, तिरुचनापल्ली, तिरुचनापल्ली को चंदा साहब के कब्जे से आजाद कराना था। योजना सफल रही, चंदा साहब को अपनी भारी भरकम सेना को वापस बुलाना पड़ा ताकि आरकोट को दोबारा अपने कब्जे में ले सके। अब क्या हुआ, ये भाई साहब यू टर्न मार गए, ये वापस कहां, जहां से आए थे वहीं चले गए, वापसी हो गई, वापस जाना पड़ा किसको, चंदा साहब को, ठीक है। इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हुआ, ये इसका इफेक्ट है, क्यों यार, तिरुचनापल्ली के लिए तो हम आए थे लेकिन हमारी राजधानी ही हाथ से निकली जा रही है, तो क्या हुआ, चंदा साहब ने अपनी पूरी सेना को वापस बुला लिया, योजना सफल रही, ठीक है। अब क्लाइव और उसकी छोटी सी टुकड़ी ने 50 दिनों तक आरकोट पर कब्जा करके रखा था, 50 दिनों तक, ये फैक्ट है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको, और चंदा साहब को मुंह की खानी पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय सेना की सहायता से चंदा साहब को कई मोर्चों पर हराया, कई मोर्चों पर हराया, और लास्ट में चंदा साहब को आत्मसमर्पण करना पड़ा, ये वापस जाते हैं, ठीक है। और बाद में क्या करना, आत्मसमर्पण करना, और बाद में चंदा साहब को सजाए मौत, और फिर बाद में क्या हुआ, चंदा साहब हार जाते हैं और बाद में इनको मिलती है सजाए मौत, है ना, इनको मौत की सजा दी जाती है। तो चंदा साहब का किस्सा खत्म, ठीक है। अब जब चंदा साहब हार गए, इनको सजाए मौत मिल गई, तो मतलब समझ गए, अब फ्रांसीसियों ने कर्नाटक से अपना दावा पूरी तरह से छोड़ दिया, मतलब मोहम्मद अली साहब क्या हो गए, समझ गए, सजाए मौत मतलब क्या हो गया, अब फ्रांस ने कर्नाटक से अपना दावा छोड़ दिया, छोड़ ही दो गया, बचा क्या। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अब समझो। लेकिन हैदराबाद में फ्रांसीसियों का वर्चस्व बना रहा, हैदराबाद में कौन थे, मुजफ्फर जंग साहब, ये हैदराबाद, चंदा साहब कहां, कर्नाटक, कैसे कर्नाटक, नासर जंग कहां, हैदराबाद के लिए थे, मोहम्मद अली कहां थे, कर्नाटक के लिए। तो एक इशू तो सॉल्व हो गया, चंदा साहब और मोहम्मद अली वाला, अब समझो। लेकिन हैदराबाद में क्या रहा, फ्रांसीसियों का वर्चस्व रहा, हैदराबाद में कुछ नहीं हुआ, मुजफ्फर जंग को निजाम और दक्कन का सूबेदार घोषित किया गया, अब मुजफ्फर हैदराबाद, ठीक है, इसमें फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, तो क्या रहा, मुजफ्फर जंग क्या हो गया, निजाम भी बना, मुजफ्फर जंग निजाम घोषित हो गए, निजाम और दक्कन का सूबेदार भी बन गए, और दक्कन का, और ये भाई साहब दक्कन का सूबेदार बने रहते हैं, बताओ यहां तक बात कंफर्म। इसके बदले में फ्रांसीसियों को एक बहुत बड़ी जागीर दी गई, और जागीर का नाम क्या था, वल्दावर की जागीर, ठीक है। सूबेदार बनाया, बदले में क्या दिया इन्होंने, इन्होंने फ्रांस को क्या दिया, वल्दावर की जागीर दे दी थी, नहीं पूछने वाले फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्या दे दी, वल्दावर, ठीक है, एफ मतलब फ्रांस को, फ्रांस को क्या दे दिया, अब इन्होंने वल्दावर की जागीर दे दी, ठीक है, इतना समझ गए। अब ये जो है ना, कृष्णा से लेके केप कोमरून तक फैली हुई थी ये जागीर, कृष्णा नदी से लेके केप कोमरून तक बड़ी जागीर थी। अब 1751 में ही मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया गया, मार डाला गया, और सलावत जंग को उसको उत्तराधिकारी बनाया। फिर क्या हुआ, मुजफ्फर जंग क्या हुआ 1751 में, इसको मार दिया, ये उनकी कुछ बातें नहीं मान रहा था, ठीक है। और फिर क्या किया, उसकी जगह क्या बनाया, सलावत जंग उत्तराधिकारी, ठीक है, सलावत जंग क्या हुआ, निजाम बनता है,
को निजाम का पद दिया गया। बात समझ में आ गई, मतलब फ्रांसीसियों के साथ उसकी दोस्ती बनी रही, कुल मिला के समझ लो, ठीक है। अब हैदराबाद के फ्रांसीसी अधिकारी बस्सी ने मुगल शहंशाह अहमद शाह से एक फरमान हासिल कर लिया था, ठीक है, हासिल कर लिया। अब इसके बावजूद सलाबत जंग को दक्कन का शासक भी घोषित किया उन्होंने, समझिएगा मेरी बात। फ्रांसीसियों ने क्या किया, हैदराबाद के फ्रांसीसी अधिकारी बस्सी ने मुगल जो शहंशाह थे उस समय अहमद शाह से एक फरमान हासिल कर लिया, ठीक है, उसके बावजूद भी सलाबत जंग को दक्कन का शासक भी घोषित कर दिया। लेकिन कर्नाटक की जो हार हुई वो फ्रांसीसियों के लिए बहुत बड़ा धक्का थी, चंदा साहब वाला का केस और मोहम्मद अली वाला केस। अब फ्रांसीसी सरकार जो लगातार कठिनाइयों से जूझ रही थी, इस हार को सहन नहीं कर पाई, ठीक है। और इस तरह क्या हुआ, 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। क्या हुआ, और 1754 में क्या हुआ, डुप्ले की वापसी हो जाती है, जो कि देखा जाए तो फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी भूल थी। डुप्ले की वापसी हो गई, इस तरह कर्नाटक के युद्ध में कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जबकि फ्रांस क्या है, निजाम तक सिमट कर रह गया। जबकि फ्रांस कहां, अब फ्रांस का जो भी अधिकार है ना वो निजाम तक है, कर्नाटक उसके हाथ से निकल गया। तो ये था सेकेंड कर्नाटक वॉर, शुरू हुआ व्यापारिक उत्तराधिकार लेकर, व्यापारिक एकाधिकार को लेकर। 3 अगस्त 1749 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब फ्रांस ईरानी सिपाहियों की सहायता से आरकोट पर हमला कर देता है और इसमें वहां का जो नवाब है अनवरुद्दीन उसकी डेथ हो जाती है। आरकोट क्या थी, कर्नाटक की राजधानी थी, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है और बाद में मैंने आपको पूरी स्थिति बताई कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या स्थिति बनी, ठीक है, कि इनका जो अनवरुद्दीन का बड़ा पुत्र होता है ना, उसको तो अनवरुद्दीन मर जाता है, उसके बाद बड़े लड़के महफूज खान को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन छोटा बेटा जो मोहम्मद अली होता है वो भाग जाता है और तिरुचनापल्ली में शरण लेता है। अंग्रेज चंदा साहब की सहायता से क्या करते हैं, तिरुचनापल्ली को घेर लेते हैं, सॉरी फ्रांसीसी क्या करते हैं, चंदा साहब की सहायता से तिरुचनापल्ली को घेर लेते हैं। लेकिन बदले में अंग्रेज भी बड़े समझदार थे, तभी वहां पर क्लाइव क्या करता है, क्लाइव ने क्या किया, एक बहुत छोटी सी सेना को लेकर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, छोटी सेना 200 अंग्रेज सैनिक, यूरोपीय सैनिक और 300 लोकल सैनिकों के साथ आरकोट पर कब्जा कर लेता है 1751 में, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। बदले में चंदा साहब को डर हो जाता है, यार ये क्या, तिरुचनापल्ली को तो घेरने गए थे, बदले में अपनी राजधानी जा रही है, अरे तो कर्नाटक हार जाऊंगा, चलो वापस चलते हैं। जब वो वापस आ रहे होते रास्ते में उन्हें कई बार हराया जाता है, अंग्रेज उन्हें कई बार हराते हैं और बाद में चंदा साहब हार जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और अंग्रेज उनको सजाए मौत दे देते हैं। जब से सजाए मौत मिलती है तो फ्रांस ने उसी समय कर्नाटक से अपना दावा छोड़ दिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया, निजाम और दक्कन का सूबेदार बना देते हैं। बदले में निजाम क्या करता है, उसको बल्दावर की जागीर दे देता है। फिर बाद में मुजफ्फर जंग कई बातें फ्रांसीसियों की नहीं मान रहा होता, तो बदले में 1751 में इसको मुजफ्फर जंग को ये लोग निपटा देते हैं, मार देते हैं, और उसके बाद सलावत जंग को निजाम बना देते हैं, उसका उत्तराधिकारी बना देते हैं, ठीक है। अब ये उत्तराधिकारी बना दिया और इसी समय फ्रांसीसी एक अधिकारी था बस्सी ने मुगल शहंशाह अहमद शाह से फरमान भी हासिल कर लिया था, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रांस की हार, सॉरी कर्नाटक की हार फ्रांसीसियों के लिए बहुत बड़ा धक्का मानी जाती है और फ्रांसीसी सरकार जो लगातार कठिनाइयों से जूझ रही थी क्या करती है, अब 1754 में डुप्ले को वापस बुला लेती है। बहुत बड़ी भूल थी उनको डुप्ले को वापस बुलाना, हम वहां पर भी बात करेंगे। इस तरह कर्नाटक के सेकेंड वॉर में कर्नाटक पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और फ्रांस निजाम तक। तो इसमें पूछा जाए सेकंड वॉर में कौन जीता है, तो विनर कौन था इसमें, इसमें विनर थे अंग्रेज, इंग्लिश, ठीक है। हार किसकी हुई, फ्रांसीसियों की। और फ्रांस क्या हुआ, फ्रांस अब सिर्फ निजाम तक रह गया, मतलब हैदराबाद रियासत तक रह गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे थर्ड कर्नाटक वॉर।